हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लैक विडो के बारे में। और देन ये अपडेट मुझे 5 मिनट पहले ही पता चला है, तो आपका इस अपडेट से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ब्लैक विडो की टाइमलाइन क्या है। और देन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ब्लैक विडो के ऊपर, अगर आपको वो देखना है तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि उसकी मूवी को लेकर चल क्या रहा है। बात करते हैं इस सीन के बारे में। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में ब्लैक विडो को ये वाला विजन दिखाई दिया था, जिसमें कि काफी सारी लड़कियां थी, एक रूम था, और देन ब्लैक विडो के ऊपर काफी सारे परीक्षण हो रहे थे। तो हमें इसमें दो चीज पता चलती है कि ब्लैक विडो कभी मां नहीं बन सकती और ब्लैक विडो एक रशिया एजेंट है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि ये सीन कब का था और देन ये इसकी टाइमलाइन क्या थी। तो ब्लैक विडो की टाइमलाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चूंकि मुझे अभी अपडेट पता चला है। तो सबसे पहले ब्लैक विडो का जन्म हुआ था 22 नवंबर को और देन 1984 को। और देन ब्लैक विडो 15 साल की जब हुई तो उन्होंने गवर्नमेंट में जाने का फैसला करा, यानी कि एक जॉब के लिए, पर वो बन गई एक रशिया एजेंट। ये थी स्टोरी टाइमलाइन। रशिया एजेंट के साथ साथ ब्लैक विडो को फिर एक विजन था जो आपने देखा था ये जो अल्ट्रॉन में, वो था करीब 15 से 20 साल के बीच में, जिसमें कि वो ट्रेनिंग लेती है काफी जोरों शोरों से। उसके बाद 1990 में कैप्टन मार्वल आती है, फिर 1992 में ब्लैक विडो की टाइमलाइन चालू होती है। तो गाइस ये था। और 1992 में आपको विंटर सोल्जर भी देखने को मिलेंगे, तो ये कभी रूमर है, मैं कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर 100% इस मूवी में विंटर सोल्जर भी होंगे, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। और जाते जाते आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ब्लैक विडो के हाथ में किसकी फाइल लग रही है, इसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद और ये अपडेट पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर आयरन लेंगे हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।